हुस्न को चांद, वाह वाह, जवानी को गजल कहते हैं। क्या भाई क्या भाई? हुस्न को चांद, जवानी को गजल कहते हैं, देखने वाले तुझे ताजमहल के। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, ये खुला आसमान और ये बंजर जमीन न सितारों की चमक। You are so heartless, hey, you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, hey, you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing. So don't leave me alone. गाइज वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए व्लॉग में। और भाई साहब, भाई हम लोग पहुंच चुके हैं कॉलेज, साथ में जानी प्रभात हमारे, और आप लोग देख ही रहे गाइस ठंडी कितनी पड़ गई है दो तीन दिन से, तो आज मफलर पहन के आए हम भी। काफी कोहरा बहुत गिर रहा है लखनऊ में, अचानक से मतलब कोहरा गिर गया था कल ना। हां, पर दो तीन दिन से काफी अचानक से काफी ठंड हो रही है। तो और हमारे साथ में भाई हमारे पूरा ने कैमरामैन चल, और ऋषियन भाई तो यार अभी आए नहीं है, रास्ते में है जो की। तो बस हम लोग अभी कॉलेज ही पहुंच गए हैं, तो ऋषियन भाई पढ़ाई काफी कर रहे हैं। प्रियन चल रहे भाई, तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई के साथ सब व्लॉग बना रहे हैं। तो बस हम लोग आ गए हैं कॉलेज यार, एग्जाम है हम लोग का छोटा सा छोटा सा। अरे प्रियन है, अरे छोटा सा ही हमें प्रभात के लिए, क्योंकि तो बहुत है यार गाइस, हम सबके लिए छोटा ही है, टॉपर्स के लिए काफी छोटा होता है। हाँ सही कह रहे हैं, रात भर सोई नहीं प्रभात, तो इनकी नींद आ रही है, इसे जल्दी से इंटो बना लेते हैं तभी सो जाएंगे हमारे पेपर के बाद। बिल्कुल भाई, तो बस फटाफट से यार पेपर वेपर दे लेते हैं, फिर जब छुट्टी हो जाएगी हम लोग की 12:30 बजे है ना। हाँ, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं, दिखाते हैं आपको कुछ जानदार, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे कुछ दिखा सकते हैं आपको, जो कि पेड़ है यार, ऐसे आराम का पेड़ है यार, जो कि पता है ये पेड़ हमारा जो है काफ़ी मतलब दिन से यहाँ गिरा टूटा पड़ा है ना, और ये देखिए इससे इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे आग में जला के। ये देखिए, तो ऐसा आराम में यार कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, मतलब ये पेड़ भी सूख गया तो इसे बढ़िया ताप रहे हैं, जो कि फायदा है अंकल लोग के लिए बैठे वहाँ पे, भाई फुकनी उकनी भी है साथ में इससे, भाई रॉड है, फूकते हैं, फूक के दिखा दे। आग नहीं भाई, आग नहीं है, जल गई। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे एग्जाम के बाद। सो गाइस, जैसा कि अभी हो चुका है इंटरवल, मतलब इंटरवल क्या, पेपर खत्म हो गया हम लोग का, इंटरवल समझो भाई। सो हो गया भाई पेपर हम लोग का, तो अब हम लोग चल रहे हैं कैंटीन साइड है ना। ये बताओ पेपर में पास वास हो रहा है कोई की नहीं? वो तो भाई रिजल्ट दे रहे भाई, देखो पास हो जाए, बस दे रहे हो भाई, बिल्कुल यार। तो बस अभी हम लोग चल रहे हैं कैंटीन की साइड, फिर चलते हैं कैंटीन और दिखाते हैं आपको कुछ बढ़िया। फेस पे धूप बहुत लग रही है भाई, तो ठीक है मिलते हैं आपसे कैंटीन में। तो यहाँ पे हम लोग देखे जैसे आए, तो देखिए हमें यहाँ मैम मिल गई, तो जो कि मोमेंट है भाई, मोमेंट ना जाने वो इश्क का कैसा दौर था, जहाँ शिकारी बेदिल और मुजरिम कोई और था। ना जाने वो इश्क का कैसा दौर था, जहाँ शिकारी बेदिल और मुजरिम कोई और था। वाह वाह वाह, बाबा तो मत ही कर, मुक्का मर जाने का समझे। खुली किताबों पे लिखी मोहब्बत की शिकायत, खुली किताबों में लिखी मोहब्बत की शिकायत, टूटते रिश्ते वो किससे वो चाहत, फरियादों का जिक्र तेरे सजदे में कोई और था, न जाने वो इश्क का कैसा दौर था, जहाँ शिकारी बेदिल और मुजरिम कोई और। ये खुला आसमान और ये बंजर जमीन, न सितारों की चमक, न कोई यादें हसीन, न मुस्कुराते बादल, न कोई जलता सवेरा, वो भीनी भीनी सी खुशबू, न तेरी बातों का पहरा, वो हसीन रातें, ना वो बेफजूल मुलाकातें, ना जमाने की सोच, ना वो दो पल की यादें, वो बूंदों भरी खुशियाँ, ना कोई बदलती दुनिया, ना जिंदगी की ख्वाहिश, ना कोई चाहत, ना फरमाइश। न जाने वो इश्क का कैसा दौर था, जहाँ शिकारी बेदिल और मुजरिम कोई और था। कुछ कहने जा रहा हूँ
तो भाई साहब जितने भी हमारे आशिक सब्सक्राइबर है ना सब रो देंगे आज रो के जैसे कि प्रभाव है बस मेरा लाइक नहीं नहीं उनके लिए है जॉनरे आपका आशिक वाला ही है मैं आशिक नहीं वो नहीं कह रही हूँ कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जो आप पढ़ रही ये जरूर डालना जैसे कि प्रभात जैसे प्रभात जैसे है ना प्रभात भाई देख लो अभी से इमोशनल हो रहे हैं भाई मतलब जो आप पढ़ रही हैं वो एक थोड़ा सा इमोशनल कर रही है मैं वो कह रहा हूँ मेरी तो इसे 32 से निकलेगी कंटिन्यू करें कंटिन्यू करें और सुननी है तुम्हें अब थोड़ा प्यार मोहब्बत से हट के ऐसा मेरे पास मेरी डायरी में लिखी होगी मैक्सिमम प्यार मोहब्बत तो यही बनते हैं सारे चलिए जो भी है फिर अब कर दीजिए हाँ एक मिनट हाँ रोक लो पूरा जैसे कि आप लव उस लाइफ में जाते हो ऐसा कुछ नहीं है मतलब कुछ एक होता है लोगों की रियलिटी दुनिया की रियलिटी क्या होती है इट्स बेस्ड ऑन दैट मतलब ही जमाना और फरेब यार दोस्त कुछ दोस्ती भी मतलब होता ना कि दोस्त भी होते हैं कि जो पीठ पीछे आपके हाँ दोगले लोग एक्चुअली दोगले लोग ठीक है मतलब ही जमाना और फरेब यार ना सच की गुंजाइश ना फितरत ना यार मतलब ही जमाना और फरेब यार चेहरे के पीछे चेहरा अंजाम अरे भाई ये तो असलियत खोल रही भाई प्रभात की भाई से गया वो फरीद की बात कर रही है नहीं नहीं तुम्हारी बात चल रही है भाई बदनामों की महफिल में आबरू की नुमाइश ओ भाई बदनामों की महफिल में आबरू की नुमाइश जमाना गम में डूबा हुआ और एक मुस्कुराहट की फरमाइश ये बदलती दुनिया और ये वक्त की आजमाइश बीते वक्त की ना मंजूरी और वो बेबुनियाद ख्वाहिश वाह भाई फिर से तारीफ हो रही है मैम तो आपने ये अपना पेज क्यों नहीं बनाया मैम पेज मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि राम स्वरूप वाले वक्त देते हैं इनका बचा है तो जिंदगी में से कुछ जगह खा जाए अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है ऐसे भूखे रहते हैं अभी मैं उस बच्चे पूछ रहा था कि मैम एक बात बताइए कि कुछ खाने को मिलेगा क्या मैंने कहा तुम्हारी किडनी वडनी बेच के तुमसे ले लेंगे ये खाने के लिए भाई कुछ नहीं मिला भाई अब लोग 3 साल हो गए एक भी चीज नहीं मिला भाई कुछ नहीं हाँ भाई हमसे बोल रहे कि मैम खाने को मिलेगा हमने कहा कि यार तो तुम्हारी किडनी बेच देंगे पर तुम्हें खाने के लिए नहीं मिलेगा फिर तुम्हारे लीवर को तुम्हारे पेट में सजा के दे देंगे बेटा यही खा लो तुम खुद से मैनेज करनी पड़ती पे हमारे भैया हैं चाय वाले जो कि यार पैसा नहीं ले रहे भाई क्यों पुरन भाई पता नहीं क्या नहीं लेते यार पता नहीं यार मतलब बताइए केवल हम लोग का ऐसा नहीं कि सबका नहीं मेरा और पुरन का और प्रभात का मतलब हम चारों लोग का भैया पैसा ही नहीं ले रहे तब से चाय का हाँ लेकिन दे जाते हैं दे अब हम लोग तो देंगे यार अच्छा नहीं लगता क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता इतने बड़े थोड़ी एक बार ठीक है फ्री में एक बार ठीक है क्यों भैया एक बार ठीक लगता है यार आप हर बार कर देते हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो तुम आते क्यों नहीं हो पैसा नहीं लेते तो नहीं आए पैसा नहीं देते तो अच्छा नहीं लगता ना फिर अब आइए अच्छा आप ये बताइए पैसा क्यों नहीं ले रहे हम लोग अरे ऐसे सवाल नहीं प्यार मोहब्बत में सो फाइनली गाइस हम लोग फ्री हो चुके हैं क्योंकि अब ब्लॉग व्लॉग शूट हो चुका तो आई होप गाइस आपको मैम की शायरी सुन के यार काफी मजा आया हो ना जो कि आशिकों की कहानी थी मैम की जुबानी समझिए क्यों गाइस पुरन लोग भी शायरी अच्छी सुनाई पुरन भी भाई हैवी शायर हैं कोई कम नहीं है वो भी आप लोग बताएगा कमेंट सेक्शन में किसने अच्छी की मैम ने या पुरन भाई ने तो कमेंट करिएगा दोनों ही नहीं अच्छा किया है वैसे बताइएगा अपना अपना जो भी आपको लगा हो ना तो गाइस मिलते हैं आपसे बढ़िया से किसी नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन बाय ठीक है चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक है भाई मेरी शायरी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वाला बताना